भारतीय खाद्य निगम ने लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएम विनोद कुमार ने बताया कि एफसीआई के माध्यम से खुला बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल की बिक्री ई निविदा के माध्यम से खुले बाजार में आमंत्रित की गई है। साथ ही इसमें थोक के विक्रेताओं को भी शामिल किया जाएगा। ये पूर्णतः छोटे व्यापारियों के लिए शुरू किया जा रहा है, जिससे उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि ई नीलामी 28 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 5, 12 और 19 अगस्त और इसके अलावा 26 अगस्त तक चलेगी। इसी योजना के तहत बाजार में गेहूं चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी और आम आदमी को गेहूं और चावल सस्ते दामों में मिल सकेंगे। देखिए, इसका एक हमारा वैल्यू जंक्शन के नाम से एक पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल के थ्रू ही करा सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको कहीं जाना है। अपना जीएसटी नंबर, अपना एफएसएसआई लाइसेंस, अपना पैन नंबर, ये सब आप वहाँ मेल कर दीजिए और वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो आप जो ऑक्शन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आज फ्राइडे है, हम तो ऑक्शन के डॉक्यूमेंट्स, हम टेंडर अपलोड करेंगे, तो आज जो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर जितनी भी डिपो के नाम दिखाए गए हैं, उस डिपो के अंदर कोई भी आदमी जब ऑक्शन स्टार्ट होगा वेनसडे को, तो उसके अंदर जाके वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना रेट डाल सकता है और उस रेट पे उसको उस डिपो से स्टॉक मिल जाएगा, अगर वो उसका हायर रेट हो।